हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा डे 20 of 75। तो यहाँ मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और मैंने लिया अपना फर्स्ट ड्रिंक। इसके बाद मैंने लिया सैलेड फ्रूट। संडे है तो आयुष के लिए आज मैंने मॉर्निंग में ओट्स बनाए थे, मसाला ओट्स, और अपने लिए ये बनाया। इसके बाद मैंने किया अपना वर्कआउट, और वर्कआउट के बीच में हुआ ये कि किसी का फ़ोन आ गया और वीडियो नहीं बन पाई आगे की। तो इसके बाद आयुष फिर दोबारा ट्राईपॉड लेके भाग रहा था, तो मैंने दोबारा शूट नहीं किया। अपना वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया घर पे बना हुआ लड्डू, जो मैंने ड्राई फ्रूट से बना रखा है। और सच बताऊँ तो मतलब बॉडी में बहुत पेन है, लेकिन नहीं रुकना है और करते रहना है अपना वर्कआउट। उसके बाद मैंने बनाया लंच, और लंच में मैंने बनाया ये आलू की सब्ज़ी और चावल के साथ। और इसके बाद आयुष को सुला के मैं चली गई छत में। तो आज मैंने पढ़ा कि एक जो जीवन है वो हम जीवन में अपने संघर्ष ही करते रहते हैं, लेकिन जो मृत्यु होती है वो आरामदायक होती है हमारे लिए। इसलिए इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप खुद अभी अपने पे ट्राई कर सकते हैं कि जैसे ही आप सांस लेंगे तो आपको थोड़ा सा दबाव महसूस होता है, जिस पल आप सांस छोड़ते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है। तो इसी तरह जीवन और मृत्यु हमारे साथ साथ चलती है, हर पल हर समय यह घटित होती रहती है। और इसके बाद मैं गई मार्केट आज आयुष को लेके। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आयुष को मार्केट लेके जा रही हूँ। तो आयुष को लगा कि मुझे गाड़ी मिलेगी तो वो बड़ा ही खुश था, लेकिन जैसे उसको पता चला कि हम रिक्शे में बैठ गए तो वो उदास हो गया। उसके बाद मैं आयुष को लेकर गई बुआ के घर पे। तो वहाँ देखा तो ये कान्हा की जो छोटी बहन है वो ऐसे ही सोती रहती है, बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल परेशान नहीं करती किसी को भी। ये देखिए, हम गए थे न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए, बट वो सो रही थी तो मैंने उसकी पिक नहीं ली, ना ही कोई वीडियो बनाई। इसके बाद घर पर आकर आज मैंने बनाया मटर मशरूम और रोटी, साथ में लिया दूध। तो इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है एंड। इसी के साथ ये रही आज की सेल्फी, और आप सभी का प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।